जा मिलने जाके। मैं इसलिए रुक गया गाड़ी को रोक गया क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ बहुत ही बढ़िया जगह, क्योंकि हम आ चुके हैं 12 लाख 14 लाख जो की भी। और ये है सूरज ताल। ऑक्सीजन लेवल जो है वो ओनली 60 है सबका, और बहुत तकलीफ हो रही है अभी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेह लद्दाख की पूरी सीरीज इस पे आने वाली है और आपको पूरा मजा आने वाला है। कितना बढ़िया है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग बस इतने मजबूर हो गए इसको देख के कि हम लोगों को रुकना पड़ा सीरियसली। और जैसे यहाँ लिखा हुआ ही है 5,000 रुपये का जुर्माना अगर इस पॉइंट से आगे गए तो। और वहाँ देखो दूसरे लोग बैठे हुए हैं और वो मजदूर आदमी है, लोकल है, तो उनको नहीं कह रहे पर हमारा तो काट देंगे चलान। तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम नहीं जा रहे हैं, बस हम यहीं से ही आगे निकलते हैं। भाई सारा सामान जो है वो रेडी हो चुका है, खाना पूरा तैयार है और खाने वाले भी तैयार है। उधर मम्मी से बात कर रही है अभी, वो खत्म करके आएगी। तो बस बाल्टी ले ली हमने पानी थोड़ा सा, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ऊपर गाड़ी वाड़ी साफ करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी तो बाल्टी ले जाएंगे। फिलहाल सारा खाना तैयार है। और देखो लोकेशन कैसी है, दोनों तरफ पानी है, इस तरफ भी पानी आ रहा है और इस तरफ भी पानी आ रहा है। तो जबरदस्त है, पानी का बहाव भी बहुत तेज है। ऐसी बात नहीं कि पानी का बहाव तेज नहीं है, पानी का बहाव भी बहुत जबरदस्त तेज है, पर बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अब आएगा खाने का मजा, असली मजा तो आएगा तरबूज को जो हमने रखा था, वो सबसे ठंडा होने के लिए, बिल्कुल जबरदस्त फ्रिज का मजा। आ गए हम दीपक ताल में। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये रहा दीपक ताल। और ये मतलब बहुत ऊंचाई पे यार, मेरे तो खासतौर से कैमरा आ गया हाथ पे, फिलहाल सांस नाक बंदर गला दर्द और कान भी बंद है, कुछ भी सुना है। गाड़ी के स्टार्ट होने का भी पता नहीं चल रहा मुझे, गाड़ी स्टार्ट है कि जैसे वोटिंग भी होती है यहाँ पे। सोनी ठीक लगी जगह? अच्छा यार सभी लोग यहीं रुक रहे हैं, मैगी पॉइंट है यहाँ पे, मैगी बनती है, चाय बनती है, कुछ भाई बोल ये रुक गया गाड़ी को रोक गया क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ बहुत ही बढ़िया जगह, क्योंकि हम आ चुके हैं 12 लाख 14 लाख जो की भी, जो भी पास है वो। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, ये रहा भाई तो है, लेकिन आप ये देखो 12 लाख 14 लाख ये भी सुपर चीज है। मैं कह रहा हूँ 12 लाचाला आ गया, 12 लाचाला आ गया, फोटो खींच लो। जा मिलने जाके अच्छा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नहीं मिल रही वो। ये सारी भेड़े देखो कैसे इनके हेयर कितने लंबे लंबे हैं और मस्त मजेदार झूमते बाल लहरा रहे, क्योंकि झूमती जा रही हैं और बाल इतनी तेज हवा है ना कि बाल लहराते जा रहे हैं सारी भेड़ों के, और कितनी प्यारी लग रही है। मैं तो इनके पास होकर आ रही थी लेकिन ये तो डर के भाग गई। और यहाँ पे इतने जब हम नीचे थे तब ये बहुत ऊपर दिखाई दे रहे थे और अभी ये हमारे थोड़े से दूर दिखाई दे रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है पास ही आने वाले हैं। और ये देखो सारे में स्नो जो पीछे अभी एक एरिया गया है तो उधर भी दूर
उसी डायरेक्शन में, वहाँ पे तो बिल्कुल वाइट वाइट स्नो पड़ते हुए पूरा एरिया दिख रहा था कि वाइट वाइट हो रहा था ऊपर से भी, और जो बर्फ थी वो भी यहाँ पे तो थोड़ी क्रीमी क्रीमी सी कि यहाँ पे पड़ के रुक चुकी है और वहाँ पे नई ताजी बर्फ पड़ रही है। और ये देखो बर्फ के चट्टे लगे हुए हैं पूरे के पूरे, क्या चीज है सीरियसली, ये क्यों रुक गए? और ये है सूरज ताल, एक दीपक ताल था उसके मैंने बस फोटोज खींचे हैं, लेकिन सूरज ताल यहाँ पे भीड़ नहीं है, वहाँ पे थोड़ी भीड़ भी थी तो मुझे लगा कि इसकी वीडियो बना लेनी चाहिए। और लेकिन बाहर तो ठंड इतनी है, ये ना सारा पहाड़ों में से पानी पिघल पिघल के उधर के हिस्से से और यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर है यहाँ का, नज़ारा तो कुछ ज़्यादा ही। अब तो बस टॉप से पे आ गए और देखो चारों तरफ यही नज़ारे, और साथ में हमारा फेवरेट नज़ारा ये रहा। तो सही बताऊँ हिम्मत तो मेरी नहीं है, तो सब ने लिखा हुआ क्या आई लव यू फुलाना, आई लव यू पापा, आई लव यू राधिका, आई लव यू काजल, पता नहीं क्या क्या लिख रखा भगवान जाने, पता नहीं इतने नाम कहाँ से ले आना लोग, यही रास्ता है वो सब जिसको आप बहुत तकलीफ हो रही है अभी। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, आज ट्रैवल का हमारा थर्ड डे और अभी हम कम से कम 200 से ऊपर का भी किलोमीटर रुका बचा हुआ है, 200 किलोमीटर से ज़्यादा, और मॉर्निंग का टाइम पूरी रात नींद नहीं आई, ठंडी इतनी कि माइनस में टेम्परेचर होगा, किसी का नेट नहीं चल रहा है, अभी आगे का ट्रैवल का भी कुछ नहीं पता है, और हस्बैंड भी थोड़े मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, और अभी मॉर्निंग हो गई है, सूरज निकल आया है लेकिन हवा जो है हाथों में लग रही है और कैमरा पकड़ा हुआ है तो जिससे वो सुन हो गया। और अभी कैंपिंग में हम अपने से आज सुबह की चाय नहीं मैं बना रही क्योंकि अभी हस्बैंड को देख रही हूँ, थोड़ी सी दवाई दे दूँ, चाय लेकर आती हूँ। यहाँ पे कैंपिंग है ना, कैंपिंग के मैं दिखाती हूँ, जहाँ हम रुके हुए हैं वो ये वाला एरिया है, ऊपर स्टोन वाली हिल है और यहाँ पे कैंप है, और यहाँ पे हमने कैंपिंग की हुई है और किसी और ने भी की है, और यहाँ पे ये आइस वाले सब कुछ, और अब मुझे इन्हीं से पूछना है कि चाय वाई है कि नहीं, चाय लेने जाती हूँ। अभी मैंने चाय पूछा है तो अभी चाय बनाएंगी ये, क्योंकि यहाँ पे बना के रखने का कोई फ़ायदा नहीं, एकदम चिल हो जाती होगी और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, देखो इससे पता चल रहा है कितनी दिक्कत है, वो तो अब थोड़ी सी धूप निकल रही है, अच्छी धूप है तो थोड़ा बेटर लग रहा है, नहीं तो हाथ तो जब भी निकल रहा है ना अंदर पॉकेट से तो बिल्कुल सुने, और इतनी सर्दी है उसकी वजह से लिप्स भी फट गए मेरे, तबीयत को इग्नोर करते हुए दवाई वगैरह लेकर अब निकल चुके हैं यहाँ से सरचू के लिए, और सरचू के आगे फिर शायद 200 किलोमीटर और ले रह जाएगा, टारगेट तो हमारा ले का ही है, बट देखते हैं तबीयत अगर प्रॉपर अच्छी रही हम जाने लायक रहे तो चलेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि मैं चाय के लिए आई हूँ उससे बाद चाय ली, एक टोस्ट लिया, और क्योंकि इनको दवाई लेनी थी, इनको तो फीवर हो रहा है रात से, थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है और अजीब अजीब सा मेरा भी वोमिटिंग वाली फीलिंग आने लगी, वन सिप चाय की पी थी और फिर मैंने ऐसे कैसे ही रख दी, और फिर उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गई अंदर आकर, फिर इन्होंने बोला वोमिटिंग वाली एक टैबलेट जूस ले जीप पे रख ले, मैंने कहा अगर जो उसका टेस्ट ख़राब हुआ ना तो तुरंत ही वोमिटिंग लगेगी, और उसका टेस्ट वाकई में वो मीठी मीठी सी अजीब सी होती है ना, और रखते ही उसको तुरंत वोमिटिंग, बट तब से थोड़ा ओके है, लेकिन खाया कुछ नहीं जा रहा है अभी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, और पर व्यू देख कर तो जो भी तबीयत ख़राब है उसको भूल जाते हैं, दिखाती हूँ मैं। और अभी नज़ारे हमारे रोड बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, तबीयत को तो कोई फिर सोच ही नहीं सकता हमारी तबीयत में क्या हो रहा है, एक बार को बिल्कुल भूल जाते हैं इन चीज़ों को देखते देखते, तो फिर क्या चाहिए, मेन तो हमें यही देखना है, तबीयत को भी देख लेंगे आगे, देखते हैं अगर कोई मेडिसिन की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ कहीं रुकवाते हैं।
आई होप लेह लद्दाख की ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली।